वही आज के वीडियो में फुल डिटेल बताऊंगा आपको कि ड्यू 200 लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और एडवांटेज डिसएडवांटेज ये भी बता देता हूँ। आप लॉन्ग राइड पे जाते हो तो ये व्हील कवर हटा देना, प्लस एग्जॉस्ट भी हटा देना। ड्यू 200 इतनी अच्छी बाइक होगी और इतना अच्छी माइलेज देगी मेरे को लॉन्ग राइड के लिए। बाइक का ना जो पिकअप होता है ना कम हो जाता है एग्जॉस्ट लगाने से, और प्लस एवरेज भी कम हो जाती है। प्लस मैं ये चीज बताऊंगा कि एग्जॉस्ट देखो लगाओ कोई बात नहीं, बट डीवी के लिए लगा देना क्योंकि उससे साउंड ना बहुत ज्यादा कम हो जाती है। मैं गाइस यही रिकमेंड करूंगा कि रात के टाइम पे बिल्कुल भी ट्रैवल मत करना बाइक राइडर। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। सो कैसे मेरी टू फैमिली, आई होप एकदम बढ़िया होंगे और बढ़िया होने चाहिए। सो गाइस की शुरुआत देख रहे हो, मॉर्निंग के 8 बजे से स्टार्ट कर रहा हूँ और लोकेशन पे आ गया। जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये देखो गाइस मैं ये लोकेशन पे क्यों बनाता हूँ व्लॉग। सो गाइस कोई शोर शराबा नहीं है तो इसलिए यार यहाँ पे लोकेशन काफी अच्छी है और यहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए भी कोई आएगा नहीं। बिकॉज यार जहाँ पे मैं पहले व्लॉग बनाता था ना वहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते थे, कई बार पुलिस वालों ने वहाँ पे भी मना किया कि भाई यहाँ पे नहीं बनाना व्लॉग। तो यहाँ पे यार खुला रोड है यहाँ पे और यहाँ पे कोई शोर शराबा भी नहीं है, तो इसलिए यार मैं यहाँ पे शुरुआत कर देता हूँ अपनी ब्लॉग, और ज़्यादा करके मैं ब्लॉग यहीं पे शूट कर देता हूँ। सो गाइस यार चलो यार ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। और आपको बता देता हूँ कि लास्ट टाइम मैं शिमला कुफरी गया था और इतने दिन से ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि 4-5 दिन से मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। जो मैं ना मेरे को फीवर हो गया था, काफ़ी ज़्यादा हालत डाउन हो गई थी। सबसे पहले अपनी तबीयत का ध्यान रखो, इसलिए यार आज थोड़ा सा तबीयत ठीक है तो मैंने सोचा यार कि ब्लॉग बना लेता हूँ और एक प्यारा सा कंटेंट आप लोगों के लिए मैं दिखाऊँ। तो शिमला कुफरी गए थे हम मॉर्निंग के टाइम पे, 5 बजे निकल गए थे, जल्दी पहुँचना था। बट यार सीन ये हो गया गाइस कि यार एक दोस्त थे ना तो उनकी बाइक का अलॉय बैंड हो गया, तो भाई जिसकी वजह से ना 2-3 घंटे हमें वहीं सोलन पे जाके वेस्ट हुआ। और फिर उसके आधे घंटा लगा, फिर उसके बाद हम निकल गए थे, 1 बजे निकले हम सोलन से और 12:30-1 बजे तक पहुंच गए थे हम। फिर पहुंच गए थे शिमला नहीं रुके हम, डायरेक्ट कुफरी रुके, ज़्यादा टाइम नहीं रुके हम, आधा 1 घंटा रुके। फिर उसके बाद निकल गए थे क्योंकि घर पे भी आना था। फिर लेट हो गए थे हम वहाँ से, मतलब कि शिमला पहुंच गए थे हम 6 बजे पहुंच गए थे शिमला से। फिर आने के टाइम पे यार गंदा वाला सीन हो गया मेरे साथ, तो आशु भाई बैठ रखे थे बट जो उनके दोस्त थे ना उन दोनों के भाई का क्रैश हो गया, खतरनाक वाला हुआ क्रैश भाई। उनके पैर वीर छिलके, पता नहीं यार ज़्यादा चोट नहीं लगी है, पर शुक्र करो कि यार कि ज़्यादा चोट नहीं लगी रात के टाइम पे, क्योंकि रात के टाइम पे भाई मतलब कि लाइटें रहती नहीं रोड पे तो यार थोड़ा सा खतरा रहता है। उनकी दया से ज़्यादा चोट नहीं लगी उनको। और मैं गाइस यही रिकमेंड करूंगा कि रात के टाइम पे बिल्कुल भी ट्रैवल मत करना, खास करके बाइक राइडर। मैं भी कभी नहीं करता रात के टाइम पे ट्रैवल, भी सीन हो सकता है क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे दोपहर के टाइम पे आप देख सकते हो, बट रात के टाइम पे ना बहुत मुश्किल होता है ट्रैवल करना। तो यार वही सीन हुआ कि उनका एक्सीडेंट हुआ और फिर उसके बाद पहुंच गए थे हम घर पे 10-11 बजे पहुंच गए थे। तो सीन ये हुआ था भाई उस दिन, और फिर उसके बाद अगले दिन मेरी तबीयत ना ख़राब हो गई थी, इतना ठंड लग रही थी क्योंकि यार मेरे को दिक्कत आती है रात के टाइम पे चलाने में, तो इसलिए वाइज़र मैंने पूरा खोल रखा था जिसकी वजह से पूरा हवा मेरे फेस पे लग रही थी और जिसकी वजह से मेरे को सर्दी जुकाम हो गई थी, प्लस फीवर भी हो गया था। तो ये सीन हुआ कि गाइस इतने दिन से ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे यार उस दिन का दिन ही बेकार था। तो यार बट एक दिन में आना जाना बिल्कुल भी मत करना क्योंकि मेरा ना हाथ पेन हो रहा है, पूरा गर्दन पेन हो रही है और बहुत मतलब कि पूरा शरीर ना मेरा दर्द हो रहा है अभी तक, पता है। तो ये सीन है सर, आज का ना ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लॉन्ग टूर के लिए ड्यूक 200 बाइक अच्छी है कि नहीं है, तो चलो लेट्स गो स्टार्ट कर देते हैं। गाइस फाइनली देख सकते हो यहाँ पे अपनी ड्यूक लगी हुई है और इसका जो मिरर है ना ये साइड वाला, ये मैंने फिर से लगा दिया क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हो ऐसे नीचे से लगा दिया मैंने, इस तरफ को कर दिया और उस साइड का ना टूट गया। एक्चुअली में ये चीज़ है ना, ये चीज़ टूट गई है तो यार दूसरा लेना पड़ेगा। सो ये है अपनी ड्यूक 200। सबसे पहले चेकआउट करो कि कैसी लग रही है। चीज ये भी बोलना चाहता हूँ कि आप जैसे बर्फ में लेके जा रहे हो ना बाइक को, बिल्कुल भी मत लेके जाना भाई, इतनी ज्यादा गंदी तो हो ही गई है। प्लस ये भी है ना इतनी ज्यादा स्लिप हो रही थी ना बाइक का टायर भाई, कसम से 2-3 जगह पे तो गंदा सीन हो गया था गाइस, पता है। तो बर्फ में बिल्कुल भी मत लेके जाना अपनी बाइक क्योंकि यार क्रैश हो जाएंगे ना, दिक्कत आ जाएगी। तो ये सीन हुआ कि भाई मेरी 2-3 जगह पे ना गंदी वाली क्रैश हो गई थी, वो तो अच्छा मैंने पैर लगा दिया जिसकी वजह से मेरे बच गया। तो यही है कि मैं आपको यही बोलूंगा कि भाई लॉन्ग राइड पे तो लेके जा रहे हो कोई बात नहीं है, बट बर्फ में बिल्कुल भी मत लेके जाना। लॉन्ग राइड के लिए लेके जा रहे हैं ना ड्यूक 200 गाइस, बिल्कुल परफेक्ट है बाइक और प्लस माइलेज आपको बहुत ही अच्छी देगी। देखो मैं पर्सनली बताऊँ ना, देखो मैं हर चीज़ आप लोगों के शेयर करता हूँ क्योंकि यार बिकॉज यार गाइस झूठ बोल के कोई फायदा नहीं कि आपको बताऊँ मैं कि 200 ना लॉन्ग राइड के लिए बिल्कुल ओके है, क्योंकि देखो यार पिलियन में ना दिक्कत आती है, सिंगल बंदा ना चलाने में कंफर्टेबल रहता है बट पिलियन में ना दिक्कत आती है। तो इसलिए यार
मैं यही रिकमेंड करूंगा कि भाई जब भी आप लॉन्ग राइड पर जा रहे तो सिंगल राइड करना। देखो ड्यूक 200 जैसे माइलेज अभी देखो मेरे को, मैंने इसके ऊपर भी व्लॉग बना रखा कि सिटी में आपको कम माइलेज देगी, बिकॉज यार सिटी में देखो मेरे को बताओ ना कि कम माइलेज दे रही है, 25 का एवरेज दे रही है, एग्जॉस्ट लगा रखा था ना तो जिसकी वजह से मेरा कम से कम 25 का एवरेज दे रही है, और जब एग्जॉस्ट नहीं लगाया था मैंने 35 का एवरेज दे रही है। तो देखो 150 किलोमीटर आना 150 किलोमीटर जाना, तो गाइस मेरा पेट्रोल लगा, मैंने 700 रुपये यहाँ से करे थे, फिर आने के टाइम पर मैंने यहीं पर 100 रुपये का 200 रुपये का डलाया था, 900 रुपये का पेट्रोल 300 किलोमीटर भाई। मैंने डीवी किलर लगा दिया क्योंकि यार बिकॉज यार बहुत ज़्यादा लाउड करती है बाइक यार, डीवी किलर लगा के मैंने गया था बट कहीं पे पुलिस वाले ने रोका नहीं। गाइस मैं ये चीज़ बताऊंगा कि एग्जॉस्ट देखो लगाओ कोई बात नहीं, बट डीवी किलर लगा देना क्योंकि उससे साउंड ना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो यार गाइस यार लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट रैप पुलिस वालों के सामने बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो फिर वो तो आपका चालान काटेंगे। मैं चीज़ है कि डीवी किलर लगा के जाना जब भी आप कहीं भी राइड पर जाओगे, तो व्हील कवर हटा देना जरूर गाइस, इस चीज़ का ध्यान रखना। इस साइड को लीन कर रहा था ना, डिसबैलेंस हो रहा था, ऐसा लग रहा कि मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो दोस्तों चलो डिसएडवांटेज है कि आप लॉन्ग राइड के लिए लेके जा रहे हो, बट एक चीज ये है कि व्हील कवर हटा देना, जैसे मैं लीन कर रहा था ना 50 की स्पीड पे, तो भाई ऐसा लग रहा है नीचे गिर जाएगी बाइक, क्योंकि शायद ये चीज हो सकती है कि पिलन को बैठा के क्या वो बैलेंस बनता नहीं है, तो उसकी वजह से शायद मेरे को दिक्कत आ रही थी। मेरे को नहीं पता था कि ड्यूक 200 इतनी अच्छी बाइक होगी और इतना अच्छी माइलेज देगी मेरे को लॉन्ग राइड के लिए, तो मैंने काफ़ी 2-3 बार लॉन्ग राइड मार रखी है, तो काफ़ी अच्छी बाइक है। और जैसे तक कि देख सकते हो भाई अभी कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी थी, पता है ये देखो भाई क्या अभी तक भी ऐसी हाल हो रखे, देखो आपको वीडियो में दिखा दूंगा कि कितनी ज़्यादा गंदी हो गई थी वहाँ ले जाने के बाद भाई। बाइक का हुलिया ही चेंज हो गया पूरा और प्लस गिर गई थी बाइक, तो भाई काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है मेरा। बाकी गाइस यार यही चीज़ थी, मैंने लॉन्ग राइड पे गया हुआ था शिमला कुफरी 150 किलोमीटर, चंडीगढ़ से 150 किलोमीटर है कुफरी और शिमला तो 90-100 किलोमीटर है। तो ये स्नोफॉल हो रही थी वहाँ पे, पड़ी हुई थी 1-2 तारीख को, तो आपको दिखाया होगा मैंने। सो गाइस यार प्रॉपर देखो यार मेरी ना उस दिन ना तबीयत ऐसे लग रही थी, ख़राब भी लग रही थी क्योंकि यार व्लॉग भी ठीक से नहीं बना पा रहा था। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी मेरी वीडियो शिमला कुफरी की, तो यार प्यार बनाए रखो और सपोर्ट करते जाओ। तो बाकी मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस लिया कि भाई पिलन को बैठा के कोई फ़ायदा नहीं है पीछे, और दिक्कत आप लोगों को आएगी। प्लस व्हील कवर जो मैंने लगा रखा है और एग्जॉस्ट लगा रखा है ये लॉन्ग राइड के लिए हटा देना। तो गाइस आप लोगों का कमेंट आता रहता है कि यार कि बाइक में ये इंस्टॉल करो वो, ये होता है ना मेन चीज़ कि भाई पैसा रहेगा ना बंदे के पास तो बंदा ना हर चीज़ कर लेता है अपनी बाइक में, कुछ भी चीज़ लगा देते हैं। बट बाइक का यार फिर पता ही होगा महीने का मेरा खर्चा भाई, बाइक में लगा लो आप 5-6 हज़ार तो मेरा ऑलमोस्ट महीने का चला जाता है, तो ये सीन है। और मतलब कि आप लोगों का जो कमेंट आता है और जो आप बोलोगे मैं करूँगा, बट यार जब पैसा रहेगा तभी तो सब कुछ कर सकता हूँ ना, अपनी बाइक में इंस्टॉल कर सकता हूँ। मतलब कि ऐसे रिएक्शन मिलते हैं ना लिटरली भाई, मुझे नहीं पता था कि इतना भयंकर रिएक्शन मिलते हैं एग्जॉस्ट लगाने के बाद, क्या बोलते हैं मुड़ के रिएक्शन मिलते हैं। बट अभी तक मेरे को पता नहीं कि डिसएडवांटेज यही है कि भाई कि पावर पिकअप कम हो गई है और प्लस इंजन पे इफेक्ट पड़ेगा, तो अभी देखते हैं कि क्या सीन होगा। अभी सेकंड सर्विस भी आने वाली है जल्दी इसकी, तो सेकंड सर्विस भी बताऊंगा कि कितनी की होगी। और गाइस एक चीज़ ये भी है कि मैंने एग्जॉस्ट जो लगा रखा था ना तो यहाँ हवा निकल रही है, पता है। तो एक में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है गाइस, पता है चैन लूप कैसे करोगे आप? तो देखो यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि चैन लूप करने का भाई सोल्यूशन नहीं मिल रहा मेरे को, तो वो जो पैड होता है तो पैड लेना पड़ेगा मेरे को, लेऊंगा। फिलहाल तो पैसे की दिक्कत है, पैसा है नहीं अकाउंट में, तो भाई बाइक में कुछ ना कुछ भाई इंस्टॉल कर देता हूँ। तो एग्जॉस्ट लगाया मैंने 5,000 का। गाइस यार सीन ये हो गया कि भाई पैसे है नहीं और तो बाइक में कुछ भी मतलब कि तेल के खर्चे ही नहीं हो रहे, तो क्या इंस्टॉल करूँगा बाइक में, ज़्यादा यार पैसे है नहीं तो आप अकाउंट में भेज दो मेरे। सो गाइस आपके पास पैसे है तो मेरे अकाउंट में भेज दो, बाकी मैं मॉडिफिकेशन सब कुछ करा दूंगा अपनी बाइक में। मजाक कर रहा हूँ गाइस, आप लोगों का प्यार चाहिए मुझे, बाकी और कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और तुम्हारा भाई ना मेहनत करते जाएगा, रिस्पॉन्स आप लोगों ने देना है। और आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बता देना कि ब्लॉग कैसा लगता है आपको, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो ना प्यारा प्यारा सा, कमेंट में बता देना व्लॉग कैसा लगा, तो कमेंट में ज़रूर बता देना गाइस एक बार यार कि भाई अच्छा लगा व्लॉग और एक ऐसे एक और वीडियो बनाओ, तो कमेंट में मुझे ज़रूर कर लिया करो कि भाई कि इसके ऊपर व्लॉग बनाया करो। और सीट हाइट के ऊपर ना काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हो, तो सीट हाइट देखो मैंने आपको बता दिया 5.9 है, तो 5.9 में आराम से मेरे पैर नीचे टच हो जाते हैं। मेरा दोस्त है एक जिसकी हाइट 5.3 है,
तो मैं ज़रूर उसके ऊपर व्लॉग बनाऊंगा और प्लस आपको दिखाऊंगा कि 5.3 वाले बंदे की हाइट आराम से पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। तो ज़रूर गाइस इसके ऊपर व्लॉग बनाऊंगा, कोई बात नहीं। फिलहाल तो आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करो कि यार कि भाई व्लॉग अच्छा लगा, कमेंट ज़रूर कर लिया करो, लाइक भी कर लिया करो और दोस्तों को शेयर भी कर लिया करो तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और बाकी आपका भाई ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग लाते रहेगा, कमेंट में ज़रूर बता देना कि इसके ऊपर व्लॉग बनाओ, इसके ऊपर व्लॉग बनाओ, तो आपका भाई उसके ऊपर व्लॉग ज़रूर बनाएगा। तो बाकी फ़िलहाल तो अभी चेकआउट करो कि कैसे लग रही है बीस्ट, और मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना गाइज़ ये जो ऑरेंज कलर है, ऑरेंज ब्लैक, ये कलर आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, तो ये कमेंट में ज़रूर बता देना। और प्लस जो ये मिरर है, तो ये छोटे मिरर हैं, तो ये आप मुझे कमेंट में बताना कि कैसे हैं, क्योंकि यार बिकॉज़ यार वो साइड का ना मिरर ना पता नहीं जिस बंदे से लगवाया था ना उसने साला ये तोड़ दिया, तो वो मैंने बैग में रखा हुआ है। तो यार कैसा चेकआउट, लुक अच्छी देती है ना, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लुक देती है। सो गाइस यार ब्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सेफ राइड।